आस्था के महापर्व छठ पूजा का आगाज हो चुका है और इस पावन अवसर पर कोलकाता के 47 नंबर वार्ड में छठ पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 47 नंबर वार्ड के पार्षद विमल सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती सुमन देवी द्वारा छठ व्रतियों को पूजा सामग्री वितरण किया गया। विमल सिंह और उनकी पत्नी सुमन देवी ने पूजा सामग्री लगभग 150 छठ व्रतियों को वितरित किए। आपको बता दें कि पूजा सामग्री में पीतल का सूप समेत अनेक पूजा सामग्रियां थी। ऐसा माना जाता है कि पीतल के सूप में सूर्यदेव को अर्घ देना शुभ होता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, एमएलए नैना बंदोपाध्याय समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ बिहार के आस्था लोकगीत के साथ हुआ। आपको बता दें कि ये छठ पूजा सामग्री वितरण समारोह करीब 20 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। मैं पहले तो छठ पूजा के इस अवसर पर आपको आगे से बधाई देते हैं। ये हम विमल सिंह जी से हम लोग सीख रहे हैं लोक सेवा कैसे किया जाता है, मगर ये सिर्फ बंगाल है जहां पर ममता बनर्जी छठ पूजा के लिए 2 दिन छुट्टी देती है। एक दिन तो छठ के आयोजन के लिए जब माँ रात को छठ पूजा के लिए जाती है, दूसरे दिन और फिर छठ पूजा के बाद थोड़ा तबीयत खराब होता है, रात जागना पड़ता है, इसलिए दूसरा दिन भी छुट्टी होता है। ये बंगाल में है, बिहार में 1 दिन का छुट्टी और बंगाल में 2 दिन का छुट्टी। और मैं धन्यवाद कहता हूँ ममता दी को, जो हमारे वातावरण ऐसा है जहाँ पर हमें सबको लगता है जो ये हमारे जगह है, ये हमारे जगह। आज इस छठ के अवसर पर आप सबको बधाई देते हैं। इस बार फिर देखते हैं जो कूला जो है वो पीतल का, इसका मतलब है नैना भाभी भी कह रही थी ये एक तो कूला अगर हमको मिल जाए तो हम भी पीतल का कूला जो है घर में रखेंगे। हमारा विमल सिंह जी आप दीजिए एक ठो, इतने बहन को, इतने भाभी को, इतने माँ को दे रहे तो अपने एक ठो भाभी को देने में क्या है, दीजिए। मगर हम उनको ये भी कहते हैं जो गंगा जी के पास छठ के दिन जाना पड़ेगा, वो छठ के जाके और सवेरे सवेरे जाके फिर सूरज देव को नमस्कार करके फिर पानी पीना पड़ेगा। कोलकाता में जिस तरह से डेंगू की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इसको रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? इसको रोकथाम के लिए हम प्रचार कर रहे हैं, हमारा केएमसी का फुल। छठ पूजा की पावन अवसर पर 47 वार्ड में अभी के काउंसलर बिमल दास बहुत जोर शोर से ये प्रोग्राम करते हैं और करते आए हुए हैं। ये नहीं कि कल किया या 2 बार किया या 3 बार, ये बरसों से ये करते हैं और बरसों से हम लोग आते हैं यहाँ पे। आज आप लोगों की लाऊ भात है, कल खरना है, फिर छठ पूजन। माना जाता है कि दीपावली की छठा दिन में छठ पूजन होते हैं, लेकिन छठ पूजा के लिए आप लोगों को ये सब जो नियम है ये नियम आप लोग पालन करते हैं। हमारी सुमन है यहाँ पे और हम लोग ये बंगाल में कह सकते हैं, विमल दा को आप लोग पूछ लीजिएगा, हम लोग ये बिहार की जो रीति रिवाज है ये हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं और अपना कर लेते हैं।